जैतपुर इलाके में यमुना के रौद्र रूप का शिकार हुए लोग फिलहाल इस एनसीडी स्कूल में रुके हुए हैं, लेकिन क्या कुछ तस्वीरें अभी सुबह की ही हैं। इधर आप देख पाएंगे यहाँ पर ये दिल्ली जल बोर्ड का ये यहाँ पर टैंक आया हुआ है, जिसके सहारे लोग कुछ अपने हाथ पैर धुल रहे हैं, कुछ लोग नहा भी रहे हैं। इसके अलावा अगर खाने पीने की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये जो बाईं ओर मेरे देख पाएंगे, यहाँ पर जो बीती रात का खाना है वो यहाँ पर रखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ जो हैं वो इसके ऊपर लग रही हैं। दाल है, चावल है, इसके अलावा रोटियां भी उधर रखी हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मक्खियां लग रही हैं इस पे। और रात में ये खाना यहाँ पर लाया गया था इस पूरी एनसीडी बिल्डिंग में। लगभग तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है वो उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। जी आपका नाम क्या है? जवाहर शर्मा। जवाहर जी, क्या कुछ व्यवस्था अभी सुबह की है? मैं ये देख रहा हूँ कि सर जो खाना जो भी रात में मिला है, जो कि तो पड़ा हुआ, कुछ खाया कुछ नहीं खाया, लोगों ने जहाँ जूठे पत्तल फेंके, कोई सफाई कर्मी नहीं पहुँचा है अभी तक। सुबह कोई देखने वाला नहीं है कि आगे की क्या व्यवस्था होगी, आपके लिए क्या सोचें, ऐसा कोई जिम्मेवार लोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुबह दूध ब्रेड पहुँच जाता है अमूमन, अगर व्यवस्था की जाती है तो फिर क्या पहुँचा है दूध ब्रेड? अभी तक मैं देख रहा हूँ कहीं कुछ नहीं है। जी, थोड़ा गया है। लोगों की जितनी भी व्यवस्था स्कूल में ठीक है, सरकारी स्कूल है, लोग आए हैं, पर उसके लिए सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम एक सफाई कर्मी हो, जहाँ भी जो भी है कूड़ा करकट मक्खियाँ ये सब की कम से कम सफाई हो। अच्छा। लोग ना खाए भी रह सकता है, लेकिन इन मक्खियों के बीच में जीना। जी, आपका नाम क्या? थोड़ा आगे आ जाइए। क्या दूध ब्रेड सुबह पहुंचा है? नहीं नहीं यार। रात में क्या खाना पीना व्यवस्था हुई थी? यही व्यवस्था थी क्या? हाँ, यही व्यवस्था जो देख रहे, यही व्यवस्था है। साफ सफाई नहीं हुई? नहीं हुई, ऐसे गंदा पड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, ऊपर भी पूरे सब पूरे गंदा पड़े हैं। हाँ, इस तरह की परेशानी आ रही है यहाँ पर। आप एनसीडी, आप लोगों के घरों में पानी आ गया है, फिर आप लोग यहाँ पर आए हैं, कितना पानी घरों में भरा हुआ है? पानी में एक मिनट से ऊपर है पानी। अच्छा। हाँ, सारा चीज डूब गया, कुछ नहीं ऊपर हुआ है। अच्छा। दे लेके निकले हैं। अच्छा। कितने लोग आप सबके साथ आए हैं परिवार के? हम 8। सर एक मार्मिक बात है। हाँ। जी, आप? मेरा नाम अनवरी खातून है। अच्छा, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है? यहाँ पर तो वही दाल चावल मिल रहा है, लेकिन लेटरिन बाथरूम बहुत गंदगी है, यहाँ बहुत परेशानी है, पानी की बहुत परेशानी है। पूरे सुबह का नाश्ता क्या कुछ है? सुबह नाश्ता उस्ता कुछ नहीं है, अभी तक हम लोग ऐसे घूम रही हूँ। अच्छा। नाश्ता पानी के लिए कुछ मिल जाए तो बच्चा के देंगे, हम भी 8 परिवार हूँ, एक भी सुइया नहीं निकली हूँ, ना एक वो मक्का भी है पानी उनी पीने उने के लिए। जी, आपका नाम क्या है? अनीता देवी। व्यवस्था हुई है सुबह? नहीं हुआ सर। अच्छा। रात में क्या खाने को मिला था? वही मिला था, देखने रहे। तो मक्खी पूरी भिनभिना रही है, साफ सफाई नहीं हुई? साफ सफाई नहीं हुआ है, कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो कुछ इस तरह की हम अंदर चलेंगे और कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, क्या व्यवस्थाएं जो है वो की गई है इस तरह की। यहाँ पर जो एनसीडी स्कूल ये है, और यहाँ पर विश्वकर्मा कॉलोनी जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पानी भर गया है, जिसके चलते यहाँ पर लोगों के लिए रहने के इंतज़ाम किए गए हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए आपको नज़र आएंगे। कुछ भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं उनके लिए, रहने रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं। जी चाचा, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्राहिम। अच्छा इब्राहिम, ये बताइए क्या खाने पीने की व्यवस्थाएं हुई हैं? बहुत कुछ हुई है। हाँ। दाल भी हुई है, चावल भी हुई है, खिचड़ी भी हुई, सारा कुछ, रोटी भी। अच्छा। केला भगवान, सारा कुछ हुआ भाई, इज्जत अच्छी हमारी हुई है। सुबह क्या कुछ दूध ब्रेड कुछ पहुँचा? नहीं, अभी तो नहीं पहुंची है, लेकिन यह है जो कल पहुंची थी, आज नहीं पहुंची। साफ सफाई यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ज्यादा गंदगी है, कोई साफ सफाई करने वाला नहीं आ रहा है? साफ सफाई करने वाला कोई नहीं आ रहा है। और कुछ परेशानी हो रही है? नहीं, अभी तो कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन सफाई होनी चाहिए ना। हाँ। लेकिन वो साफ सफाई करने वाली नहीं है भाई। साफ सफाई करने वाला नहीं है। जी चाचा, आप बात करेंगे? जी, क्या नाम है आपका? फजलुर रहमान। क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था हो रही है, खाने पीने की व्यवस्था हो रही है? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। सुबह दूध ब्रेड पहुँचा? नहीं, वो नहीं पहुँचा अभी। लेकिन सुबह तो लगभग 7 बजने वाले हैं, आप सब पहुँच जाना चाहिए। तो कुछ नहीं, कुछ परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं है। आप सफाई कम है? सफाई थोड़ी कम है, लगभग आराम से सो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जी आंटी, आपका नाम क्या है?
जरीना। क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर हो रही, खाने पीने की उचित व्यवस्था है? सब चीज की व्यवस्था है। साफ सफाई कम है, सुबह का भी नाश्ता वास्ता पहुँचा कि नहीं? जी नहीं, अभी नहीं पहुँचा। जी तो इस तरह की जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि अभी जो सुबह के दूध और ब्रेड की बात की जाए वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा है। हालांकि अगर साफ़ सफाई की बात की जाए तो उसके बारे में भी लोगों का कहना है कि साफ़ सफाई जो है वो भी यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इस तरह की बाकी अगर रुकने की व्यवस्था की जाए तो रुकने की ठीक ठाक यहाँ पर व्यवस्थाएँ जो हैं वो की गई हैं। ये MCD का स्कूल है और यहाँ पर जो लोगों के रुकने के इंतज़ाम वो हैं वो किए गए हैं। कुछ और भी लोगों से हम आगे चल के बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, किस तरह की यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके इस स्कूल में किस तरह की क्या कुछ परेशानी आ रही है या फिर जो उचित व्यवस्थाएं हैं वो मिल रही हैं। तो यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो भी यहाँ पर रुके हुए हैं और लोगों से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम नाम है सर। यहाँ रात में जो खाना मिला है ये रोटी मिला है जो कि मवेशी भी नहीं खा सकेंगे। अच्छा। और मैंने कहा भाई साहब ये रोटी जो ला रहे थोड़ा से लाओ, अच्छा लाओ। बोल रहा है आप कौन बोलने वाले हो रहे? मैंने कहा भाई हम यहीं का नागरिकता, ये जमुना में रहते हैं, हमारी नसीब खराब हो गए हैं इसलिए हम रोड पे हैं। पानी क्या आपके घर में भर गया है? पूरा भरा हुआ है। अच्छा। पूरा ये देखिए जला हुआ रोटी, ये गवर्नमेंट का पैसे बर्बाद हो रहे हैं, ऐसे पब्लिक नहीं खा रहे, कोई नहीं खा रहे। अच्छा। और दो दिन बोहरा जी खाना खिलाया, बहुत बढ़िया खाना खिलाया, ऐसे बात नहीं कि नहीं गलत नहीं खिलाया, सही खिलाया। हमारे काउंसलर है यहाँ की, अगर वो आ जाएगा तो मिलेगा अच्छा ही खाना। और दूसरा कोई खिलाया है, रात में बटे हैं ये। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये मिले हैं खाना, देखिए। सुबह दूध ब्रेड नाश्ता वो पहुंचा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं मिले हैं। अच्छा। देखिए कुछ नहीं मिले हैं सर, ऐसे है सब। अच्छा। ऐसे है, कहें कुछ नहीं, सफाई व्यवस्था कुछ नहीं। ठीक है सर, उनसे भी बात करेंगे। जी आपका नाम क्या है? वो और काज किसी से करना, बताइए बताइए। क्या खाने पीने की व्यवस्था उचित हो रही है? पीने जैसे मिल रहा हो तैसे सही मिल रहा हो पानी। अच्छा। तो सुबह का दूध ब्रेड नाश्ता बच्चों के लिए कुछ बिस्किट पहुंचा? ना नहीं आया बच्चों को कुछ ना आता है। कितने दिन से यहां पर MCD स्कूल में रहे? परसों आए। कितना पानी है घर में भर गया? पानी तो जुग्गी है। अच्छा। जुग्गी में तो डूब गई है, जुग्गी कहते हैं। बच्चों क्या खिला पिला रही है? बच्चों को ऐसे ही यही मिल रही है, उल्टी सूदी तैसी खा रहे हैं अपन। रोटी तो बता दिखा रहे हैं अभी जली हुई रोटी है और उस तरह ऐसी आ रही है, कभी सही आ जाती है कभी अच्छी आ जाती है। अच्छा। ऐसी आ रही है। तो इस तरह की जो परेशानी है वो लोग यहाँ पर झेल रहे हैं और खाने की तस्वीरें भी हमने दिखाई। क्या कुछ सुबह की व्यवस्था है उसके बारे में हमने लोगों से पूछा। अभी तक तकरीबन सुबह 7 बजने वाले हैं और अभी तक जो दूध ब्रेड होता है वो यहाँ पर MCD स्कूल जो है जैतपुर का, जहाँ पर कई सारे लोगों को रखा गया, तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और उनके जो बेसिक इंतजाम हैं सुबह के दूध ब्रेड वो अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीते रात के जो खाने को लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जली हुई रोटियाँ मिल रही हैं और इस तरह की तमाम जो शिकायतें वो लोगों ने हमसे बातचीत के दौरान कही। यमुना के कहर से बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए हैं और MCD स्कूल में फिलहाल जिस वहाँ पर हम मौजूद हैं यहीं पर लोग जो हैं वो ठहरे हुए हैं, इनके रुकने के इंतजाम यहीं पर कराए गए हैं। क्या कुछ सुबह की व्यवस्था है, क्या कुछ खाने पीने के इंतजाम हैं वो हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। जी आपका नाम क्या है? सोन। क्या व्यवस्था है बच्चों के खाने पीने के लिए या फिर क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर है? कुछ आप सबके पास है, लेके आई हैं घर से, कुछ ला पाई हैं? कुछ ना, कपड़ा पड़ा ना लाए। अच्छा, कुछ नहीं बचा, मौका नहीं मिला? मौका नहीं मिला। बच्चों क्या खिलाएंगे अभी सुबह? बच्चों ब्रेड और चाय। अच्छा, कुछ आया है अभी? अभी नहीं आया। जी आपका नाम क्या है सर? हीरा लाल जी। अच्छा, क्या बच्चों को क्या कुछ खिलाएंगे? कुछ वहाँ से सामान आप लेके आए हैं खाने पीने का? नहीं कुछ नहीं, नहीं। लेकिन कुछ ला ही ना पाए। अच्छा, क्यों? जब पानी ने इतना तोड़ गया कि क्या करें, जान बचाना मुश्किल है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर दूध ब्रेड पहुँचा सुबह सुबह कुछ, क्योंकि 7 बज गया, नाश्ते का समय हो गया है। अभी अभी दूध फूध कुछ नहीं आया। कल आया था? हाँ, कल चाय थी आई ही, और वो आई करीब 11 बजे करीब। 11 बजे चाय मिली? हाँ। अच्छा। हाँ, 11 बजे करीब आई।
जी कुछ और भी लोग हैं उनसे महिलाओं से हम बात करेंगे। जी जी यहाँ MCD स्कूल है, यहाँ पर महिलाएं जो है वो रुकी हुई हैं। जी आपका नाम क्या है? रीता। ये बताइए खाने पीने की सुबह क्या व्यवस्था है? अभी कुछ भी नहीं है अभी तो। अच्छा। जो है रोज आया था? अभी नहीं आया कोई भी। अच्छा। क्या कुछ घर से खाने पीने का सामान आप ला पाई हैं? सामान ही ना निकाल पाए, अपना शरीर लेके निकले वही बहुत है इस टाइम। कुछ नहीं लेके आ पाए, ये क्या लेके आएंगे, इसमें एक आध जोड़ी कपड़े बस। अच्छा नहीं निकाल नहीं पाए, पानी इतना तेजी से आया कुछ निकाल ही नहीं पाए। जी चाची आपका नाम क्या है? उनसे कुछ अरे बता दीजिए, मतलब पूछ रहे हैं खाने पीने कुछ सामान ला पाए कि नहीं? नहीं आए, नहीं है। पानी अचानक से आ गया क्या? हाँ अचानक पानी आ गया। हाँ अचानक बाढ़ आ गया है। कुछ और भी महिलाएं हैं उनसे हम बात करेंगे। जी चाची बताइए आप, बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं हो रहा। हम लोग खाने पीने हम लोग कपड़ा लता कुछ निकाल नहीं पाया हूँ घर से, पानी अचानक आ गया, क्या करो? खाने पीने ला पाई नहीं? कुछ नहीं लाया हूँ, जो पहन लिया हूँ शरीर में वही है। यहाँ पर क्या व्यवस्था है? यहाँ पर व्यवस्था वही है, तनी मनी खाना उना नहीं मिल जाता। और क्या काम, 12-1 बजे मिलेगा काम मिलेगा। 12-1 बजे तक बच्चों क्या खिलाएंगी? बच्चे लिए आता है थोड़ा बहुत देता है, और क्या क्या करें, हम लोग तो बुढ़िए गया सब सामान पानी में, अब क्या करूं? हम लोग बैठे हैं कुछ नहीं जान लेके खाली भी आया हूं। अच्छा। बाल बच्चे के कपड़ा लता कुछ भी निकाल नहीं पाने अपने निकाल। जी भैया आपका नाम क्या है? भुजनवीन। छोटे छोटे बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं आपके, हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या कुछ खाने पीने की सुबह सुबह व्यवस्था क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं आया। घर से कुछ लाए हैं खाने? नहीं, पानी भर गया क्या चीज आएगा। यहाँ पर क्या व्यवस्था की जा रही है प्रशासन की ओर से? कुछ नहीं, वही राशन थोड़े बहुत आ रहे हैं, खिचड़ी उचड़ी ऐसे ही। तो कितने बजे तक मतलब नाश्ता वास्ता कितने बजे तक आता है? 11-12 बजे आते हैं। तब तक बच्चों क्या खिलाते हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही रहते हैं ऐसे ही। तो MCD का ये जो राहत शिविर बनाया गया है, यहाँ पर लोग भले ही रुके हुए हैं लेकिन आपको यहाँ पर नज़र आएंगे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पर नज़र आएंगे उनके माता पिता भी यहाँ पर रुके हुए हैं, लेकिन भले ही यहाँ पर ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ पर पंखे चल रहे हैं और इसकी व्यवस्था की गई कि यहाँ पर गर्मी से राहत मिले। नीचे जो है ये चटाई भी यहाँ पर बिछाई गई है। लेकिन इन सब के अलावा अगर बात की जाए खाने पीने के इंतज़ाम की, तो उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 11 बजे के आसपास जो है वो नाश्ता यहाँ पर आता है और तब तक बच्चे ऐसे ही भूखे रहते हैं। ये बड़ी बात यहाँ पर जो लोग हैं जिनके लिए राहत शिविर जो बनाया गया है, जो लोग बाढ़ प्रभावित हैं बाढ़ प्रभावित हुए हैं, यमुना का स्तर लगातार बढ़ता है जिसके बाद लोग अपने घरों से बेघर हो जाते हैं और MCD में उनका जो आसरा है, ठिकाना है, वो है फिलहाल। लेकिन बड़ी बात है कि किस तरह से लोगों को इस तरह की समस्याएं हो रही हैं और चूंकि घर से वो अपना सामान भी नहीं ला पाए, कुछ खाने पीने के जो इंतज़ाम हैं वो भी नहीं हो पाए क्योंकि बाढ़ का पानी का स्तर लगातार इतनी तेज़ी से निकला कि खुद अपनी जान बचाकर उन्हें भागना पड़ा और जिसके चलते वो खाने पीने का सामान भी नहीं ले पर आ पाए। और यहाँ पर वो रुके हुए भले ही हैं लेकिन सुबह की बात करें तो तकरीबन 11 बजे के बाद ही उनके जो बच्चे हैं या फिर उनके लिए सुबह के नाश्ते का इंतज़ाम हो पाता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP News, दिल्ली।